नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। आसमान से बरसती आग से पंजाब चंडीगढ़ समेत पूरा उत्तर भारत उबल रहा है। पंजाब में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 49 डिग्री को पार कर गया है। पिछले मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को 49.3 डिग्री के साथ बठिंडा सबसे गर्म रहा। पंजाब और चंडीगढ़ तप रहे हैं। पंजाब में तारा 50 को छूने वाला है, वहीं चंडीगढ़ में तापमान 44 डिग्री के पार जा चुका है। भीषण गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, अब तक बारिश क्यों नहीं हुई और ऐसी गर्मी कब तक जारी रहेगी। चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। लगातार गर्म हवाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी की आशंका जताई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों ने गर्मी से बचने के उपाय भी बताए। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम का पैटर्न बदल दिया है। हमारे रोज़मर्रा की आदतें, पराली जलाने, दुनिया में चल रहे युद्ध आदि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे हैं। चंडीगढ़ विज्ञान केंद्र के निदेशक AK सिंह से इतनी गर्मी पड़ने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का नतीजा देखने को मिल रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल जुलाई महीने में हुई अत्यधिक बारिश हो या अब भीषण गर्मी, यह सब इसी के नतीजे हैं। शुभ नाम सर आपका? राजदीप सिंह। राजदीप जी, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, आपने घूमने का प्लान बना लिया, कैसा लग रहा है आपको? गर्मी तो हालांकि बहुत है, लेकिन क्या हम लोग बाहर से आए हैं तो घूमना है, और इसमें क्या अभी बच्चे लोग जो फैमिली के साथ आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत तो हो रही है। कौन कौन है आपके साथ आए हुए? हमारे साथ ये हमारी मिसेज हैं। नमस्कार जी। और ये मेरा बेटा है सिवेंद। ठीक है जी, तो घूम लिया चंडीगढ़ आपने सारा? था हाँ, अभी एक्चुअली हमारा प्लान ये पार्क का था जी। हम लोग पार्क घूम लिया है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ का प्लान है जी? अभी यही मॉल जाएंगे, एरेंटी मॉल जाएंगे, उसके बाद शाम को ट्रेन है अपना, तो वापस घर जाएंगे। ठीक है सर। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए उन्होंने आग्रह करते हुए कहा है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में जाने से बचें, घर पर रहें, बाहर जाना मजबूरी हो तो अपने साथ पानी की बोतल रखें, दही, नींबू पानी, लस्सी, जलजीरा, सत्तू, शरबत आदि पिएं, खरबूज और तरबूज भी खाएं, हल्के रंग और ढीले कपड़े पहनें, फास्ट फूड और बासी खाना खाने से बचें। नमस्कार मैडम। हाँ जी, आपका शुभ नाम जी? सुनीता मौर्य। मौर्य जी, इतनी चिलचिलाती धूप में आप ड्यूटी दे रही हैं, पहले तो ये काबिले तारीफ है। सभी दे रहे हैं सर यहाँ पे पार्किंग में। अच्छा, पार्किंग में कितने बंदे हैं? 100-150 बंदे हैं, सभी धूप में काम कर रहे हैं। 100-150 बंदा? हाँ। कॉर्पोरेशन की तरफ से? हाँ जी। तो आप कॉर्पोरेशन के रेगुलर एम्प्लॉई हैं जी? हाँ, डीसी रेट जो मिलता है। डीसी रेट में मतलब ठेकेदार के थ्रू आप काम कर रहे हैं? नहीं, ठेकेदार नहीं, एमसीबी वालों की तरफ से। एमसीबी? हाँ जी। ठीक है मैडम, धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सर क्या हाल है आपका? बढ़िया जी, बढ़िया। आपका शुभ नाम जी? दर्शन सिंह। लखन सिंह जी? दर्शन सिंह। दर्शन सिंह जी, आप कब से काम कर रहे हैं ये स्कूटर रिपेयरिंग का और ऑटो रिपेयरिंग का जी? ये कर रहे हैं जी 1970 से। 1970 से। तो इतनी चिलचिलाती धूप, 46 डिग्री टेम्परेचर में आप काम कर रहे हैं यहाँ बाहर बैठकर, तो आपको गर्मी नहीं लगती क्या? लगती तो है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है जी, तो गर्मी कामकाज पे भी असर डालती होगी। वो तो है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। हमारा तो आपसे यही अगर आया कि स्वस्थ रहे आप, गर्मी से बच के रहें। 8 से 10 घंटे एसी में रहने के बाद अचानक धूप में जाने से हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। जब तक एसी चलता रहता है हम 20 से 24 डिग्री के तापमान में रहते हैं। बाहर इन दिनों पारा 44 डिग्री के पास है। एसी से निकलकर जैसे ही धूप में जाते हैं तो बॉडी को शॉक लगता है। एसी से निकलकर पहले किसी छांव की जगह पर 2-3 मिनट रुकना चाहिए, उसके बाद धूप में जा सकते हैं। कार में से निकलने में भी ध्यान रखना चाहिए। आपका शुभ नाम जी? बुधराम।
बुद्धराम जी, हाँ। आपकी उम्र मेरे हिसाब से लगभग 70 से ऊपर होगी जी। हाँ, ठीक है जी। जितनी गर्मी इस साल पड़ रही है, आपने अपने जीवन काल में इससे पहले भी कभी देखी इतनी गर्मी? गर्मी तो पड़ती थी जी, अगर रेजिस्टेंस पावर नहीं थी लोगों ने, अब रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गई है, अगर लोगों के पहले रेजिस्टेंस पावर थी। तो आप गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं जी? पानी पियो ठंडा, और क्या पीना। नमस्कार जी, कहाँ के रहने वाले सर आप? भिवानी जी। और भिवानी से आप चंडीगढ़ घूमने आए हैं सर? जी हाँ, माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं, साथ में घूम भी है कुछ। ठीक है, तो क्या बच्चों की छुट्टियां हो रखी हैं? हाँ, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो सर इतनी गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्मी में आपने सपरिवार घूमने की हिम्मत की, मैं तो दाद देता हूँ आपके हौसले की। माता मनसा देवी के आदेश हो गए थे, हम चले आए। ठीक है, सपरिवार आए हैं जी? हाँ है, ये पोता है। अच्छा है। दशरथ लाल मिश्रा। मिश्रा जी, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर, तो आपके कामकाज के ऊपर भी कोई फर्क पड़ा? जी, कामकाज के ऊपर तो असर बहुत पड़ता है। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो सवारियाँ घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जो होटल में टूरिस्ट वगैरह हैं वो उसी में रह जाते हैं, तो सड़क पर सवारी आती नहीं है, तो हम लोगों का काम तो बंद हो जाता है लगभग दोपहर के समय में। और कितने वर्षों से चला रहे हैं सर आप ऑटो? सर यहाँ पर मैं करीब 24 वर्षों से ऑटो चला रहा हूँ। ठीक है सर, और आगे जैसे बरसात होगी तो काम खुल जाएगा थोड़ा? हाँ, थोड़ा काम खुलता है, लेकिन बरसात के समय में भी जब ज़्यादा बरसात होती है तो नहीं हो पाता है, लेकिन बरसात के टाइम में एक बार कुछ देर बरसात होके फिर उसके बाद काम चल जाता है, जब बारिश निकलती है फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर बारिश हो रही है तो ठीक है, उस टाइम के लिए दिक्कत होती है। धन्यवाद भाई साहब। AK सिंह ने बताया कि राहत की बात यह है कि मॉनसून अभी तक अपने समय पर है, 1 जून को मॉनसून केरल के तट पर आ जाएगा। उम्मीद बताई जा रही है कि पंजाब और चंडीगढ़ में 27 से 30 जून के बीच चंडीगढ़ मॉनसून आ सकता है। इस बार ला नीना कंडीशन बन रहे हैं, यह संकेत है कि अच्छी बारिश होगी, हालांकि अभी 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। भयंकर गर्मी का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। बीते कुछ सालों में प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का नतीजा देखने को मिल रहा है। ग्रीन हाउसेस गैसों के बढ़ने से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल जुलाई महीने में हुई अत्यधिक बारिश हो या अब भीषण गर्मी, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही नतीजे हैं।